धरती माँ, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक नीला नखलिस्तान हमारा एकमात्र घर है। यह जीवन का पालना है, विविध पारिस्थितिक तंत्रों और अरबों निवासियों से भरपूर। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, यह भूलना आसान हो जाता है कि यहाँ हमारा अस्तित्व नाजुक और सीमित है। पृथ्वी का भी एक जीवन काल है और उन बलों को समझना जो अंततः इसके विनाश का कारण बन सकते हैं, हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सूरज के ज्वलंत हृदय से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक संभावित खतरे वास्तविक हैं और समय कम होता जा रहा है। पृथ्वी के अंत की खोज भयभीत होने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविकता का सामना करने के बारे में है। वैज्ञानिक संभावनाओं और भविष्य को आकार देने में हमारी भूमिका को समझकर हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। जैसे जैसे सूर्य की आयु बढ़ेगी, यह अंततः एक लाल विशाल तारे में विस्तारित होगा। सूर्य का विस्तार पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगा, बुध और शुक्र को अपनी चपेट में ले लेगा। तीव्र गर्मी पृथ्वी के महासागरों को उबाल देगी, जिससे एक झुलसी हुई चट्टान रह जाएगी। हमारे सूरज की परिचित चमक से परे विशाल और अक्सर अप्रत्याशित इंटरगवर्नमेंटल इक्ष का विस्तार है, जबकि ब्रह्मांड शांत लग सकता है। यह क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं के फॉर्म में पृथ्वी के लिए संभावित खतरों को समेटे हुए हैं। प्रारंभिक सौर मंडल के ये अवशेष आकाशीय भटकने वाले हमारे ग्रह से टकराने का एक निरंतर, यदि सांख्यिकीय फॉर्म से छोटा, जोखिम पैदा करते हैं। पृथ्वी का इतिहास क्षुद्र ग्रह प्रभावों से विरामित है। कुछ निशान के फॉर्म में विशाल क्रेटर पीछे छोड़ते हैं। माना जाता है कि चिक्सुलब इंपैक्ट ने 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था, जो इन यूनिवर्सीय टकरावों की डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति की एक खौफनाक याद दिलाता है। जबकि वैनोलॉजिक संभावित खतरों के लिए सीमातार आसमान की निगरानी करते हैं और क्षुद्र प्लैनेटों को विक्षेपित करने के लिए रणनीति विकसित करते हैं। एक डिस्ट्रक्शनकारी इंपैक्ट की संभावना एक वास्तविक चिंता बनी हुई है। घर से निकट पृथ्वी की जलवायु अनप्रेसिडेंटेड दर से बदल रही है, जो मानवीय गतिविधियों द्वारा संचालित है, जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं। इस गर्माहट के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। बढ़ते समुद्र के स्तर और चरम मौसम की इवेंटों से लेकर ट्रांसेंडी लोकेटेड एक तंत्र और कृषि में व्यवधान तक, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, एक अग्रणी इंटर गवर्नमेंटल राष्ट्रीय वैनोलॉजिक निकाय ने चेतावनी दी है कि यदि वैश्विक तापमान वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो हमें भयावह कॉन्सिक्वेंसेसों का सामना करना पड़ेगा। इनमें अधिक सीमातार और तीव्र गर्मी की रिपलें, व्यापक सूखा, तटीय बाढ़ और सामूहिक विलुप्ति शामिल हैं। पृथ्वी की जलवायु एक नाजुक संतुलन है और मानवीय गतिविधियां इसे एक ऐसे टिपिंग पॉइंट की ओर धकेल रही हैं, जिसके अचेंजीय और डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 5, मानवता का इंपैक्ट। एक दोधारी सोर्ड। जहां प्राकृतिक इवेंटें पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं, वहीं मानवीय गतिविधियां ग्रह के भाग्य को आकार देने वाली एक प्रमुख शक्ति के फॉर्म में उभरी हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता, वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल कृषि प्रथाओं ने वातावरण में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जारी की हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन खतरनाक दर से बढ़ रहा है। हालांकि मानवता का इंपैक्ट एक दोधारी तलवार है, जबकि हमारे सर्वसों ने ग्रह के क्षरण को तेज कर दिया है, हमारे पास इन खतरों को कम करने के लिए सरलता और क्षमता भी है।
अक्षय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करके, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर और नवीन तकनीकों का विकास करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य की राह बना सकते हैं। भाग 6, छठा विलुप्ति। एक कठोर चेतावनी। पृथ्वी ने 5 सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं का सामना किया है। आज वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि हम छठे सामूहिक विलुप्ति के कगार पर हैं, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन अनगिनत प्रजातियों को कगार पर धकेल रहे हैं। छठा विलुप्ति एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि हम अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। भाग 7, भविष्य के परिदृश्य। कल में एक ग्लिम्प्स। भविष्य की फ्यूचर वाणी करना स्वाभाविक फॉर्म से अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान प्रवृत्तियों और वैनोलॉजिक अनुमानों का विश्लेषण करके हम पृथ्वी के भविष्य के लिए संभावित सिनेरियोसों की कल्पना कर सकते हैं। ये परिदृश्य एक स्थायी और समृद्ध ग्रह के आशावादी दृष्टिकोण से लेकर ट्रांसेंडी लोकेटेड एक पतन और सामाजिक उथल पुथल की अधिक गंभीर फ्यूचर वाणियों तक है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे यह निर्धारित करेंगे कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। यदि हम अनसस्टेनेबल प्रथाओं और निष्क्रियता के अपने वर्तमान प्रक्षेप वक्र पर बने रहते हैं, तो हम ग्रह को अचेंजीय क्षति रीचाने का जोखिम उठाते हैं, जिससे संसाधन की मिटिगेटी, सामाजिक असिरीने और पर्यावरणीय आपदाओं की विशेषता वाला भविष्य बन सकता है। हालांकि यदि हम एक अधिक टिकाऊ मार्ग अपनाते हैं, अक्षय ऊर्जा, संरक्षण और इंटरगवर्नमेंटल राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चित्र है। भाग 8, एक की शक्ति व्यक्तिगत कार्य मायने रखते हैं। हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों का पैमाना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के पास फर्क करने की शक्ति है। जबकि सिस्टमगत परिवर्तन महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत कार्य जब अरबों लोगों में गुणा किया जाता है तो सकारात्मक परिवर्तन का एक लहर इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। हमारे दैनिक जीवन में साधारण बदलाव, जैसे कि हमारे कार्बन पद चिन्ह को कम करना, पानी का संरक्षण करना, पौधे आधारित आहार को अपनाना और टिकाऊ व्यवसायों का समर्थन करना, सामूहिक फॉर्म से एक अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान कर सकते हैं। जागरूक चॉइसेस बनाकर और अपने समुदायों के भीतर परिवर्तन की वकालत करके हम दूसरों को आंदोलन में शामिल होने और हमारे इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 9, वैश्विक सहयोग। एक एकीकृत फ्रंट। हमारे ग्रह के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड स्तर के इंटर गवर्नमेंटल राष्ट्रीय सहयोग की एसेंशियलता है। जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी विविधता हानि और संसाधन की मिटिगेटी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है, एक एकीकृत वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग करती है। पेरिस जलवायु अंडरस्टैंडिंग ओते और जैविक विविधता पर सम्मेलन जैसे इंटर गवर्नमेंटल राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग ओते सहयोग और कार्रवाई के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। ज्ञान, संसाधनों और प्रौद्योगिकी को साझा करके देश नवीन समाधान विकसित करने, टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इन वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इंटर गवर्नमेंटल राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, संवाद को बढ़ावा देना और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। भाग 10, निष्कर्ष। हमारी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पृथ्वी, हमारा ए मिटिगेट आत्र घर, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। हमारे सूर्य के प्राकृतिक विकास से लेकर मानवीय क्रियाओं के कॉन्सिक्वेंसेसों तक, जो ताकतें अंततः
इसके विनाश का कारण बन सकती हैं। वे वास्तविक हैं और हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नवाचार, लचीलापन और सामूहिक कार्रवाई के लिए हमारी क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथ में है। वह नॉलेजिक समझ को अपनाकर ग्रह के साथ हमारी इंटरकनेक्टेडनेस को स्वीकार करके और अपने सर्वजों की जिम्मेदारी लेकर हम एक अधिक टिकाऊ भविष्य की राह बना सकते हैं। हमारे ग्रह की रक्षा करना केवल एक चॉइसेस नहीं है, यह एक अनिवार्यता है, यह एक जिम्मेदारी है जो हम खुद पर, आने वाली पीढ़ियों पर और उन अनगिनत प्रजातियों पर देते हैं जो हमारे घर को साझा करती हैं। कार्रवाई का समय अब है, क्योंकि पृथ्वी का भाग्य अधर में लटका हुआ है।